subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hi friends, welcome back to my channel. फ्रेंड्स, यदि आपको भी यह प्रॉब्लम आ रही है कि आप जब भी टाइपिंग करते हैं टेक्स्ट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं, तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा एंड तक। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ टाइपिंग करके दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। तो जैसे हमने यहाँ पर लिखा है के आर, और जैसे हम स्पेस किया है तो आप देख सकते हैं एम आर लिखा हुआ आ गया है। जैसे मैं आपको फिर से दिखाता हूँ तो ये आप देख सकते हैं अब ओ आर आ गया है। ऐसे ऑटोमेटिकली स्पेस देने पर ये चेंज होते रहते हैं फ्रेंड्स। तो आप इसको कैसे ठीक करेंगे, तो सबसे पहले आपको आना है फ़ोन की सेटिंग में। सेटिंग में आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको एडिशनल सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको लैंग्वेज एंड इनपुट का ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड्स। लैंग्वेज एंड इनपुट किसी किसी फ़ोन में अबाउट फ़ोन में या एडवांस सेटिंग में मिल जाएगा फ्रेंड्स आपको, तो आपको देखना है। तो लैंग्वेज एंड इनपुट पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको इनपुट मेथड का ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड्स। इसमें आपको यहाँ पर कीबोर्ड देखना होगा। आपने कोई और कीबोर्ड सिलेक्ट किया हुआ है तो आपको उसको क्लिक करना है। हमने अभी यहाँ पर जी कीबोर्ड सिलेक्ट किया हुआ है फ्रेंड्स, तो हम उसको क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड्स टेक्स्ट करेक्शन का, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको ऑटो करेक्शन का ऑप्शन दिख रहा है, तो इसको आपको ऑफ़ करना होगा। तो अभी हमने इसे ऑफ़ कर दिया है। तो अभी हम कुछ टाइप करके देखते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम नोट्स में आते हैं। तो अभी हम लिखते हैं के आर और हम यहाँ पर स्पेस कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।